बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज जिस तरीके से पावन पर्व है गणपति जी का, तो आप सभी को आरएन न्यूज की ओर से गणपति चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में माधव चौक चौराहे पर नगर पालिका का एक सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ फांसी लगाने पहुंच गया, और जहां सफाई कर्मचारी ने सफाई दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए 1.5 घंटे तक हंगामा किया, और उसके बाद कोतवाली पुलिस सफाई कर्मियों को अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत काली माता मंदिर के पास रहने वाला मनीष घावरी एक अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर माधव चौक के गोलंबर के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। आपको बताते चले कि मनीष घावरी ने सफाई दरोगा राकेश गेचर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई दरोगा रात में पैसे कमाने के लिए मल के गड्ढे साफ करवाकर खुद पैसा कमाता है, और इससे परेशान होकर उसने अपना ट्रांसफर डीजे कोटी पर करा लिया था, लेकिन राकेश गेचर उसे डीजे कोटी पर ड्यूटी नहीं देने जा रहा देने जा ने दे रहा था, और उसे जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहा था, और इसे सबसे परेशान होकर वह परिवार सहित फांसी लगाकर आत्महत्या करने माधव चौक पर आया। पैसे कमा के देता हूँ ना, 20,000 रुपये में चक्कर दिए ना गड्ढे पे, लेटिंग गड्ढे पे, चक्कर जानी देता मुझे। तो इसकी शिकायत आपने थाने में करी? करीब जब चक्कर दिए ना, मुझे पैसे कमा देता हूँ, 1,500 रुपये में कमा देता, चक्कर दिए ना, फिर जो कहता है तुम जा नहीं पाओगा, पैसे तुम मुझे कमा कर देता है, जा नहीं पाओगा, तुम करवा दूंगा तुझे। और तू जहाँ चला गया ना, तेरी मोड़ी में तेरे मोड़ा भरवा दिए, कैंसिल हो गई थी, मैंने करवाया था, तेरी मोड़ी गोली मार दूंगा। अभी जैसे राकेश कैचर जहाँ जाता है तो क्या समझौता करोगे? मैं कर दूंगा ना, क्या करोगे आप? ये वहाँ पर जा चले जाओ, डी कोटी के चले जाओ, तो काम पे जाना है, वहाँ पे क्या कर रहे हो? डी कोटी चले जाओ, तो मैं तुमसे मतलब नहीं था, कहीं चले जाओ। घर भी आती है क्या? फिर आपको धमकी कब दी? पापा बताते हैं, क्या कहता है? कहते हैं हमारे काम पे नहीं आया तो आपकी बच्ची को क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? देश में आगामी पर्वों को देखते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भोपाल स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं, और ऐसे मौके पर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए GRP सतर्क हो गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी किया गया है, और इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। स्टेशन पर CCTV कैमरे से भी संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जा रही है, संदेह होने पर तुरंत पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं अलग से 150 कैमरे लगाने का भी GRP ने DRM को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। साथ ही सभी जो सादी वर्ती में जो पुलिस वाले हैं ना, GRP और RPF के संयुक्त मिलकर जो है वो ट्रेनों में जांच कर रहे हैं। देखिए, अभी विगत महीने हमने 15 अगस्त में मनाया था, उसके बाद भी कुछ त्यौहार बीच में और मनाए थे, तो रेलवे में भीड़ जो है छुट्टियों के समय से बढ़ने लगती है, और त्यौहारों में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक भी है। अभी आने वाली 7 तारीख को जैसे गणेश चतुर्थी होने वाली है, 16 तारीख को मिलादुन्नबी है, इस तरह के त्यौहार आने वाले हैं। त्यौहारों के समय पर छुट्टियाँ पड़ती हैं तो यात्रियों का आवागमन भी बढ़ता है। तो इस संबंध में जो एक सेट ड्रिल है जो रेलवे की, वो हम करते हैं जनरली। जैसे उस सेट ड्रिल में पार्ट ये होता है कि महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो हम टॉप 5 ट्रेनों का चुनाव करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अपराध घटित होते हैं, उन टॉप 5 ट्रेनों में हम अल्टरनेट गार्ड चलाते हैं। और इसके अलावा हमने अभी एक नई चीज़ और शुरू की है कि सिविल में हम लोग अपने गार्ड्स को रखते हैं, तो सिविल में वो ऑब्जर्वेशन पर रहते हैं। ये मुहिम अभी शुरू हुई है कुछ समय पहले, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या गतिविधियाँ उस ट्रेन के उन ट्रेनों को चिन्हित ट्रेनें उनके अंदर चल रही हैं, जिससे कि हमें चोरी जैसी और अन्य अपराधों की घटनाओं को रोकने में सुविधा प्राप्त हो सकेगी, सफलता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त जो प्लेटफॉर्म की व्यवस्था है, जो 6 प्लेटफॉर्म है, उस पर हमने आप देखेंगे कि काफ़ी जगह बैरिकेटिंग करके हमने कोशिश की है कि जो अनाधिकृत एंट्री है उनको रोका जाए और जो अधिकृत रास्ते से आएँ। और प्लेटफॉर्म पर लगातार दिन और रात में जो पाली से जो हम लोग गार्ड लगाते हैं उनको हम बढ़ाते हैं। देखिए इकतीस अगस्त की रात सायरा बेरड़ी रोड की पुलिस जो है पुलिया पर शराब के नशे में धुत शराब ठेकेदारों के गुर्गों के द्वारा बेरड़ी के रहने वाले विजय कचरू इंगले को बुलेरो से उड़ाया गया और शराब ठेकेदारों के गुर्गे इतने नशे में धुत थे कि विजय को लट से मारने लगे और जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव का पुलिस को सूचना दी और अब उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर शराब ठेकेदार के गुंडागर्दी के विरोध में और उचित मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ित के व्यक्ति के परिवार के लोग ग्रामवासियों के साथ सोसे पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और जहां शव को लेकर वह बैठ गए। आपको बताते चले कि लगातार 4 घंटे ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की मध्यस्थता से पीड़ित परिवार जनों को मुआवजा और ठेकेदार के साथ साथ उसके गुर्गे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जिम्मेदार अधिकारी खानापूर्ति करते हुए नजर आए। हमारी मांग ये है कि ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस लोग को मुआवजा मिलना चाहिए और इसको लाइफ टाइम के लिए जॉब चाहिए। अच्छा, जब तक ये नहीं हो रही कार्रवाई तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी मांग ये है कि देखिए ये क्योंकि इसमें मांग में जनप्रतिनिधि भी आके लोकल उपस्थित थे और उनके द्वारा ये मांग की गई थी, तो शांतिपूर्वक थाने में धरना था और बातचीत करके उसको शांतिपूर्वक समापन किया गया, क्योंकि एक दुखद घटना है और पुलिस की संवेदना भी मृतक परिवार के साथ में है और इसलिए हमने उसको बातचीत करके और उनको जो मदद हो सकती है वो दिलवाई है और उसमें उनका अंतिम संस्कार के लिए प्रयास किया। सभी परिवार के लोग देखिए क्या है कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन दुर्घटना का प्रकरण कायम कराया गया था। अभी जो इस दिन नई बातें तथ्य आ रहे हैं उसमें अगर फोटो वीडियो जो कि साक्ष्य लोगों के पास है उनके परिजनों को बताया गया है आज अंतिम संस्कार कर ले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दादूखेड़ी गांव के रहने वाले बलराम आदिवासी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दबंगों के खिलाफ मारपीट और कुचर के रुपए छीन कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बताते चले कि बलरामपुर आदिवासी निवासी ने बताया कि सरपंच शीलू यादव के द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा था कि जिस पर उसके बेटे ने नाली आगे से ले जाने को कहा और इसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी के चलते 5 सितंबर की शाम के लगभग 8 बजे गांव के रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने घर जाकर उसके परिवार के साथ मारपीट की और उसके पिता से कुटिर के लिए मिले 66,500 रुपए भी छीन ले लिए गए और जिसके बाद थाने में शिकायत करने पर जान से धमकी देने की भी बात कही गई। वहीं आपको बताते चले इसी डर के कारण थाने पर शिकायत नहीं की गई थी और अब एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कौन सा थाना लगता है? इंदौर। क्या समस्या लेके आया पुलिस अधीक्षक कार्यालय? जे मोड़ा मारो। कौन ने मारा है? ठाकुर ने मारा। किस लिए मारा है? भरत द्वारी। भरत किस लिए मारा है? नाली फोर मारा साहब, जब जान नाली की नहाई करी के जहाँ मत करो ऊपर वो खड़ा। नाली कौन बनवा रहा था? सरपंच बनवा रहा था। फिर क्या हुआ? सरपंच कर अब झंझोक में ओड़ी कर दांगो फलाना कर दांगो ब्याज से बंदे जा खेच के घर में रात में मारो मैं भी टपैया हूँ घुस का तरफाल में और जब मोड़ा मारो और मुँह फिर मुँह आए आधी रात है तो मुँह मुँह मीर मार पीट कर थप्पड़ दें गुम्मी दें मेरे पैसे बग बाम कर दे पी पाँ मेरे टोर के तार ले गए। तो आने नहीं गए यहाँ पर? नहीं, जहाँ के ऐसा गहल में लग रहा है आदमी मारा। पैसे कौन ले गया? ले ही लेगा यार द्वारी। कितने? 66,000 कुटी के पैसा आते हमारी कुटी आई थी। मारपीट करी साहब ने? किस किसने की है? हरद्वारी ने, सीलू ने, मोनू ने, सरदुम ने, भरत ने। अच्छा, मारपीट क्यों की? क्या बात हो गई? नाली पूरे क्या कर रहे थे? नाली मेरे घर के छोड़ रहे थे। घर पे छोड़ रहे थे नाली? अधूरा निर्माण। तुम्हारे घर के आगे क्या पहले से पानी भरता है क्या? हाँ, जब भाई तब से भरना चालू हो गया।
अच्छा, किससे मना किया आपने ये? सरपंच से करी, सरपंच। क्या नाम है सरपंच का? सीली। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर गांव के आगे गांव के न मारो, फिर गांव के न मारा। तो क्या सरपंच ने मतलब पिटवाया है, क्या किया है? सरपंच ने पिटवाओ, गांव के सरपंच ने कही हुई गांव के। तो आपने किया तो सरपंच से ही मना ना? और का? अच्छा, क्या नाम है सरपंच का? सीली यादव। अच्छा, आप थाने गए थे? थाने नहीं हो। अच्छा, आदमी लगता है बिल्कुल रस्ते में। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हो? क्या चाहते हो? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल हुआ चाकू भी जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार बुंदेल जाटव नाम के युवक की पत्नी इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम बिजडोनी की रहने वाली बताई जा रही है। आपको बताते चले कि दोनों पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव की वजह से बदरवास में अलग अलग रहते थे, और वहीं जब पति पत्नी के घर आया तो दोनों में बहस हो गई, और जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं बदरवास पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल चाकू को जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आपको बताते चले कि जहां लटेरी में दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बीती देर रात को सिरोंज नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं सभी घायलों को लटेरी स्वास्थ्य के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना में घायल और मृतक सभी झालावाड़ जिले के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसके कारण यह भीषण दर्दनाक हादसा हुआ। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर आपको बताते चले कि खिरो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सार्वजनिक बैठक में दबंगों की दबंगाई का मामला सामने आया है। बैठक में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंग लाठी डंडे लेकर पंचायत भवन पहुंचे, और जहां पर दबंगों ने ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। दबंगाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला खिरो थाना क्षेत्र के समेरी चौक के अंतर्गत कन्हामऊ पंचायत भवन का बताया गया। तो आपको बताते चले कि आए दिन रायबरेली से खासतौर पर तमाम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो सामने आते हैं, और आज हम आपके लिए एक और वीडियो ले आए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं खासतौर पर जो दबंगों की दबंगाई के वीडियो हैं वो जो देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही मामला यूपी के रायबरेली से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि पंचायत भवन में दबंग लाठी डंडों के साथ पहुंचे, और जहां पर सरपंच को जान से मारने तक की धमकी दे डाली गई। वहीं आपको बताते चले, फिलहाल अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किस कारण के चलते दबंगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और आपको यह भी बताते चले कि इस मामले में अभी पुलिस की ओर से भी किसी तरीके की तहरीर के बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल जो सोशल मीडिया पे इस समय यह वीडियो पूरे तरीके से वायरल हो रहा है, और जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ समय पहले थाना मोड़ में एक आरटीए के खिलाफ दर्ज हुए मामले को लेकर पुलिस की तानाशाही करार देते हुए बड़ी संख्या में आरटीए एसोसिएशन, पेस्टिसाइड संगठन के साथ साथ गल्ला मजदूर यूनियन और मुनीम यूनियन के साथ साथ बड़ी संख्या में मंडी वासियों ने थाना मंडी मोड़ में धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताते चले, यह खबर जो है वो पंजाब के भटिंडा से सामने आई है, जहां पर एसोसिएशन के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि थाना मोड़ के पुलिस प्रशासन ने किसान यूनियन के द्वारा लगाए गए धरने के दबाव में आकर बिना किसी मामले की जांच पड़ताल किए संजीव कुमार और अन्य व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर लिया। और उन्होंने कहा कि संजीव कुमार और उसके रिश्तेदार पर जो मामला दर्ज किया गया है, वह सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वह डराकर पैसा
ले लिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो मामला दर्ज हुआ है वह किसान यूनियन के धरने के दबाव के कारण हुआ है। लेना वो सारा जसपाल सिंह नाल है जी। सानू तो सिर्फ इस करके फसाया जा रहा है कि असि बानिए महाजन है बे डर के सानू कुछ दे देंगे, पर साडा उन्हां नाल किसी किस्म का एक पंजी का भी देन लैन नहीं। सिर्फ बानिया होने करके सानू फसाया जा रहा है, होर कोई गल नहीं है जी। झूठी मन कर इन्होंने कलोनी की कहानी बनाई है। पहला यूनियन एफीडेविट दिते सी भी असि जसपाल दे कोल आपके आर्थ के पैसे जमा करते सीगे ते ओ साडे ओदे कोल जमेंगे, साडे हुण दे नहीं रहे, असीं जसपाल तों लैणेंगे। तां साल डेढ़ साल बाद जदों उन्हां नूं लग्गिआ वी जसपाल तों रिकवरी हो नहीं सकदी गी, तां उन्हां ने कलोनी दा झूठी मनघड़त कहानी बनाई। अज दा जिहड़ा इह रोस धरना लाया गया है इहदे मौड़ मंडी दे विच पिछले दिन इक पर्चा जो सजीव कुमार बीरवल उर्फ बीरवल पुत्र श्री हेमराज दे खिलाफ मौड़ थाणा विखे होया सी उसदे संबंध विच धरना लाया गया, क्योंकि जिहड़ा इह परचा कीता गया बिल्कुल झूठा परचा ते बेबुनियाद ढंग नाल कीता गया हैगा। इस संबंध दे विच मानयोग एस एस पी साहब नाल भी मुलाकात की, कई बार डी एस पी साहब एस एच ओ साहब नूं मिलण दा मौका मिलिया, तां उहनां नूं वी पता कि बिल्कुल झूठा परचा दर्ज होया, परंतु कुछ बंदिआं दबाव विच आ के इह परचा कीता गया है। इस नूं लै के सारे मंडी निवासियों विच भारी रोस पाया जा रहा, जिस संबंध विच अज रोस धरना दित्ता गया है। असीं इत्थों दे प्रशासन नूं मंग करदे हां कि इस परचे नूं जल्दी तों। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रक की टक्कर से स्कूल जा रही साइकिल सवार एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दो गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। घायल छात्राओं को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने रायबरेली के प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। मामला सलोन थाना इलाके के रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर कालू जलालपुर गांव के पास साइकिल पर सवार होकर छात्रा स्कूल जा रही थी और उसी दौरान रायबरेली से प्रतापगढ़ की तरफ अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आठवीं की छात्रा शैलजा पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, तो जबकि इसी कक्षा की आरती पटेल और कंचन पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल छात्राओं को सीएचसी सलोन ले जाया गया और जहां पर उनकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चले कि उधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे सीओ प्रदीप कुमार के साथ साथ इंस्पेक्टर जेपी सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम को खुलवाया। अब मामला ये है कि तीन बच्चियां स्कूल जा रही थी जिनके ऊपर एक ट्रक चढ़ गया और जिनकी उम्र दोनों की उम्र 15 साल है, जो कि जलाल कालू जलालपुर के हैं और उनका थाना सलोन है, और दो एक बच्चे की तो मृत्यु हो गई, बाकी दो बच्चियों को यहाँ पे एडमिट करके उनका इलाज चलाया। अब मामला ये है कि रामराज पटेल ग्राम कालू जलालपुर सलोन लाल, क्या मामला हुआ था? अरे जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे वो करहिया बाजार के पीछे थोड़ा नहर के पास में उनके एक्सीडेंट हो गया। कहाँ स्कूल जाने के समय? हाँ स्कूल जा रहे। किस चीज़ से हुआ था? ये तो हम वहाँ पहुँचे थे तो एम्बुलेंस में लदे थे सब लोग, हम चले आए कि था यहाँ रात रैली, हमको पता नहीं किस चीज़ से हुआ। रामराज पटेल बिहार के भागलपुर में नए कानून के अनुपालन को लेकर सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार रॉय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी ज्योति स्नान के साथ थाना अध्यक्षों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत को लगाने को लेकर विमर्श किया गया। बैठक में सुचारू रूप से न्यायिक कार्यों के सुचारू रूप से संपादन को लेकर रिमांड न्यूरी रिपोर्ट और माफ कीजिए इंक्वायरी रिपोर्ट और इनको दाखिल होने के लेकर किस तरीके की देरी हुई, तलाशी जब्ती सूची तैयार करना, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि भागलपुर सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार रॉय के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी ज्योतिष्णा ने इसकी जानकारी देते हुए तीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को 1 जुलाई से लागू हो गए हैं और उस पर अमल करने के लिए निर्देशित किया गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।